Hello students and welcome back to bankexamsadda.com so in the series of providing important sessions for bank of maharashtra journalist officer 2023 exam today we are covering capm bada hi important topic hai capm स्टूडेंट्स, बेसिकली वी आर गोइंग टू सिंपल सा फॉर्मूला है जो आज हम करेंगे पहले स्टार्ट करने से पहले जर्नलिस्ट कॉम एंड एंटायर सिलेबस विद द हेल्प ऑफ विडियो क्लासेज नोट टेस्ट सीरीज क्विजेज व्हाट्सएप नंबर है मेरा लिंक टू ज्वाइन दर्स इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ये फॉर्मूला ध्यान से आप समझ लीजिए सी स्टूडेंट्स पहले फॉर्मूला करने से पहले इन in इंडिया आपको रिस्क फ्री रिटर्न कहां पे मिल सकता है हाउ कैन यू गेट रिस्क फ्री रिटर्न पूरा रिस्क फ्री कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बताइए जिस पे रिस्क ही नहीं है सॉवरेंट uh, बॉन्ड्स हो सकते हैं ठीक है गवर्नमेंट के बॉन्ड जो आरबीआई बॉन्ड इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई बी बॉन्ड्स इशू करता है जिसे सॉवरेंट बॉन्ड्स कहते हैं दैट इज रिस्क फ्री टोटल रिस्क फ्री क्योंकि आई मीन इनकेस गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर देती है तो स्टॉक मार्केट सब कुछ ही खत्म हो जाएगा ना तो दैट इज टोटली रिस्क फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक है रिस्क नहीं होता है जो आर बी आई करती है बॉन्ड्स ठीक है ये हो गया आपका रिस्क फ्री आर के बॉन्ड सो लेट्स अज्यूम कि आरबीआई के बॉन्ड पे सिक्स परसेंट का रिटर्न है ओके इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न आइडियली फॉर हायर रिटर्न यू नीड टू टेक हायर रिस्क फैक्टर रिस्क फैक्टर मतलब वेरी करता है जैसे स्टॉक मार्केट बहुत वेरी करता है ठीक है अगर स्टॉक मार्केट पे आप 12 परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा होगा ठीक है रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा बैंक की एफ है तो रिस्क कम है रिटर्न कम है स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है ठीक है सो दैट्स हाउ दैट्स वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा इज टू रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए दर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा ठीक है अगर बीटा जो है वन से ज्यादा है इफ इट इज मोर देन वन दैट मींस रिस्क ज्यादा है रिस्क जो है ज्यादा है मार्केट से अगर वन से कम है तो मार्केट से रिस्क कम है मार्केट uh, रिस्क क्या है लेट्स अज्यूम निफ्टी अच्छा एग्जाम्पल तो वैसे नहीं है जैसे लेट्स अज्यूम निफ्टी बकेट ऑफ स्टॉक्स राइट 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी का जो बीटा है लेट्स एज्यूम इट इज वन ओके रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बीटा है इट इज़ वन पॉइंट टू दैट मीन्स वॉट रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक इज मोर रिस्की राइट इट इज मोर रिस्की एच डी एफ सी बैंक का बीटा लेट्स एज्यूम एच डी एफ सी का बीटा इज पॉइंट नाइन फाइव इट इज लेस रिस्की लेस रिस्की देन निफ्टी फिफ्टी ओके सो दिस सिंपल फार्मूला Expected return of the company, let's say Reliance Industries or whatever. RF means risk free return. B means beta. RM means market return. In this case, Nifty ka return minus risk free return. This is the simple formula. Please remember that very important. question karenge exams mein bahut baar repeat hote hai. Okay. Hai? Uh, let's move forward. Find the beta for our stock ABC. Given that expected return on the stock KBC is 13.45. So expected return on stock. Stock ka expected return available hai. Expected return on market portfolio is available. Risk free return is available. Now uh, the same formula. Expected return is equal to risk-free return plus beta bracket market return minus risk free return. In short, it is market premium. Okay.

बीटा इज़ वन पॉइंट फाइव रिस्क फ्री रिटर्न इज सिक्स परसेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज फिफ्टीन परसेंट सो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें निकालना है ओके सो द रिस्क फ्री रिटर्न इज सिक्स परसेंट रिस्क फ्री रिटर्न हमारा आ गया आर एफ रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा उसके बाद मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ठीक है वट इज़ द रिस्क फ्री रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न इज सिक्स परसेंट प्लस बीटा इज वन पॉइंट फाइव परसेंट मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न इज फिफ्टीन परसेंट रिस्क फ्री रिटर्न इज सिक्स परसेंट ठीक है तो सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव ये आ गया आपका नौ सो सिक्स प्लस थर्टीन पॉइंट फाइव आई गैस तो नाइनटीन पॉइंट फाइव इज योर आंसर वेरी इजी क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं ठीक है वॉट रिटर्न ऑन इक्विटी डू इन्वेस्टर सीम्स टू एक्सपेक्ट फॉर अ फर्म विद द शेयर प्राइस है फिफ्टी फाइव डॉलर्स पर शेयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड फाइव पॉइंट फाइव बीटा हमारा अवेलेबल है कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट अवेलेबल है ट्रिकी क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर जरूर पढ़े दैट इज इम्पॉर्टेंट उसमें यह फॉर्मूला मैंने एग्जैक्टली exactly दिया हुआ है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वो वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर रहे रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ इक्वल टू डिडेंट इन नेक्स्ट ईयर अगले साल में जो डिविडेंट होगा एंड जो करंट प्राइस है शेयर प्राइस है प्लस ग्रोथ यहाँ पे बीटा यूज ही नहीं हो रहा है राइट सो इन दिस केस 5.5 पॉइंट डिवाइडेड बाय ये परसेंटेज में है डिवाइड बाय 55 फाइव मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड सो ये हो गया टेन परसेंट ग्रोथ रेट है आपका फाइव पॉइंट फाइव परसेंट सो फिफ्टीन पॉइंट फाइव परसेंट इज योर आंसर वेरी इजी क्वेश्चन

सो देखिए डेट इज एन इक्विटी वेटेज कितना है वेट कितना है जितना भी हो सकता है एंड देन कॉस्ट कितना है सो दैट इज अ सिंपल वेटेड एवरेज निकालने का फंडा बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 10.77 परसेंट टेन परसेंट ये बिफोर टैक्स है जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है उसका आपको बेनिफिट मिलता है ठीक है सो बिफोर टैक्स जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में में आ जाएगा जाएगा आपको फायदा मिल राइट सो right? so oh. से निकाल कर रखा हुआ है सेवन परसेंट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट एक्चुअल एंड इक्विटी का कितना है आपका इक्विटी uh, का है 18 परसेंट वेटेड है 14 परसेंट हमने इन वेट निकाले हैं सो so, uh, आपने आई होप एलिगेशन वाला मेथड किया हुआ है सेवन एटीन और ये फोर्टीन ठीक है सो so, एटीन में से फोर्टीन गया फोर सेवन फोर्टीन में से सेवन गया सेवन सो इक्विटी इज सेवन एंड इक्विटी इज सेवन एंड डेट इज फोर ओके सो आप परसेंटेज uh, में निकालना चाहते हो तो सेवन ओवर सेवन प्लस फोर इलेवन So you can easily do that, and it should be around 63%, most probably. Yeah. Close hota to divide lete, but it is 63%. Find the required rate of return for equity investors of a firm with beta 1.3. Risk-free rate is 5%. Market uh, risk premium is 5%. So expected return is given. Risk-free return is there plus beta is there uh, market return minus risk-free return okay so what is the expected return here what is the expected uh, return here that's what we need to calculate risk-free return is five percent plus beta is 1.3 this premium is five percent okay so five plus uh, eight this comes out to be thirteen percent 13% is a required rate of return, B is a correct answer. But that's very simple questions we have done today, very short session. I hope you liked it and I hope uh, you love the Bank of Maharashtra journalist officer course. We are providing the complete syllabus coverage. Uh, we are doing video classes, notes, quizzes, test series, uh, we are covering the entire syllabus and uh, if there is any doubt in your mind, this is my WhatsApp number, you can uh, contact me. All the links are available in the description. Please check the description. This is a list of our successful students in the this year's exam. All these students, they took our courses and they cracked their respective exams. I am really, really happy for all of them. In Sabi ke I'm really, really happy. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and uh, you know there is a discussion board my whatsapp number all these students they cracked uh, their respective exams and we are very very happy for them subscribe the channel and like this video that's really really important for me and that's all for today students thank you and have a very very nice day bye bye